तो यार इस वाले बैग से, ट्रायंगल शेप के बैग से परेशान होकर ही मैंने ये वाला बैग बुलवाया था। तो महंगा जरूर पड़ गया लेकिन मुझे कंफर्टेबल जरूर से लग रहा है। तो इसको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से रखना पड़ेगा। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। सो गाइस, आज आया है मेरे पास डीकैथलॉन की ओर से ऑक्सोरक का BP100 बैग आया हुआ है, जो कि मैंने एक वीडियो में ऑर्डर भी किया था, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बॉक्स कुछ इस टाइप का आया हुआ है, आप देख सकते हैं बॉक्स का साइज भी बिल्कुल बैग के साइज का ही मुझे लग भी रहा है। तो इसको मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसका रिव्यू भी करने वाला हूं, और रिव्यू मैं अभी जो देखूंगा उसी के हिसाब से करूंगा क्योंकि मैंने आज तक इसको यूज़ ही नहीं किया है। लेकिन आप अगर मेरे आगे वीडियोस अगर देखा करोगे तो आपको इसकी खामियां वगैरह और जो भी है वो देखने को मिला करेगी, मतलब रिव्यू वगैरह मिला करेगा। लेकिन आज अभी हम इसको फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत देर का आया हुआ है लेकिन अभी सेटअप नहीं जम रहा था मेरा। तो फटाफट से पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और फिर इसके रिव्यू वगैरह देता हूं। पहले तो मैं खुद ही देख लेता हूं। तो करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। सो गाइस, फाइनली मैंने बॉक्स तो खोल दिया है, अब निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर और फिर देखते हैं कैसा क्या है बैग। तो यहाँ पर कुछ खास पैकिंग तो दिख नहीं रही मुझे, बस सिंपली ये बैग रखा हुआ है और बाकी जो बॉक्स है वो खाली की खाली है। इसको पटकते हैं साइड में और इसको हम देखते हैं बैग को निकाल कर। 50 रुपए का ओवर एक्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक वाइज ऑसम लग रहा है, जैसा मैंने ऐप पर देखा था सेम टू सेम यहाँ पर लुक वगैरह भी दिख रहा है। तो गाइस ये है ऑक्सेलो का बैग BP100 और इसमें जो है हमको दो चेन देखने को मिलती है, मतलब एक तो ये है जो कि 20 लीटर का होगा शायद, और एक छोटा सा पॉकेट यहाँ पर देखने को मिलता है, ये वाला छोटा सा। तो इससे तो हमको कुछ लेना देना है नहीं, जब भी सामान डालना होगा तब डाल लेंगे। मेन चीज़ आती है ये इसके टांगने के लिए स्ट्रेप्स वगैरह, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बताई हुई है, यहाँ पर नीचे जो है आपको कवर देखने को मिल जाता है ये, तो अगर आपका बारिश वगैरह होती है तो आप इससे कवर वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ बैग है और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, मजबूत क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन अभी यूज़ करेंगे तो पता चलेगा किस टाइप का रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 लीटर भी लिखा हुआ है, तो 20 लीटर का बैग पैक है और ऊपर से आप स्केट भी टांग सकते हो। तो गाइस यार मैंने बैग की क्वालिटी वगैरह देखी और बाकी चीज़ें देखी तो अच्छे ही लग रहा है, लेकिन 2000 कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाते हैं, और 2000 के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी दी होगी, अभी यूज़ करा करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी जो है मैं इसमें स्केट्स वगैरह लगा कर देखता हूं। तो पहले जो है मैं मेरे MF 500 लगा कर देखने वाला हूं, उसके बाद में फ्रेंच टोस्ट वगैरह लगा कर देखेंगे। तो फटाफट से इसमें लगा कर देखते हैं क्या ये सही से लग जाता है या फिर नहीं लगता है, देखते हैं। सभी जो है मैं इसके स्ट्रेप्स वगैरह खोल लेता हूँ और फिर इसमें MF 500 रख कर कसता हूँ। तो MF 500 तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, तो इसको कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा और ऊपर वाले को कुछ इस टाइप से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये फिक्स हो जाने चाहिए, हाँ, तो इसको ऐसा लगाना है, तो हो चुका है। ये किधर जाएगा भाई, नहीं ये इधर जाएगा और ये जाएगा, नहीं अरे किधर लगा दिया। और अभी ये लूज़ लग रहा है तो मैं इसको टाइट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर जो दिया हुआ है स्ट्रेप वगैरह इनसे इस तरह से टाइट कर सकता हूँ खींच के। तो ये जो है मेरे स्केट्स कैरी हो चुके हैं और अब देखते हैं इसको टांग के। तो गाइस अभी मैं इसको टांग कर देख रहा हूँ कैसा क्या लगता है टांगने में और कुछ इस हिसाब से। सो गाइस यार मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने स्केट्स वगैरह पीछे टांग रखे हैं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्कूल बैग या फिर कॉलेज बैग जो रहता है उस टाइप का बैग टांग रखा है, वैसे ही लग रहा है। मतलब कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है, जैसे मेरा जो ट्रायंगल वाला बैग है ना उसके ऐसा नहीं लग रहा है, तो सही लग रहा है। और इसमें साथ साथ में एक और स्टेप दिया हुआ है यहाँ पर बीच में। तो यार मैंने इसमें MF 500 लगा कर तो देख लिए हैं, इजीली लग गए हैं, मतलब आराम से कैरी हो जाएंगे। लेकिन अब मैं ट्राई करने वाला हूँ मेरे फ्रेंच टोस्ट को, फ्रेंच टोस्ट लगा कर देखता हूँ क्योंकि मुझे वही कैरी करना है, बिग व्हील से ज़्यादा चलाता हूँ तो वही ज़्यादा लेकर घूमना पड़ता है, तो उसको भी लगा कर देखते हैं। मेन प्रॉब्लम उसमें रहेगी, मतलब वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं इसमें फ्रेंच टोस्ट लगा कर देख रहा हूँ, फ्रेंच टोस्ट कैसे क्या आते हैं, मतलब कैरी हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। जैसे मैंने MF 500 रखे थे सेम टू सेम करा है, सो अब इसको भी टांग कर देख लेते हैं ये कैसे क्या लगते हैं। ये तो मुझे लग रहा है हिल भी नहीं रहे हैं क्योंकि एकदम फिक्स बैठ गए ऐसा लग रहा है मुझे। MF 500 थोड़े लूज वगैरह आ रहे थे लेकिन ये वाले सही साठ लग रहे हैं, मतलब ये भी फिक्स बैठ चुके हैं, तो ऑसम है यार। मुझे इसी के लिए चाहिए था फ्रेंच टोस्ट के लिए, और आप देख सकते हैं कैसे क्या लुक भी दे रहा है अभी, मतलब बहुत ही गजब का लग रहा है, चलने वलने में भी मस्त लगेगा ये जब मैं इसको पहनकर ऐसे लेकर घूमूंगा, तो क्योंकि ये बैग से भी बाहर जा रहे हैं इसके व्हील्स वगैरह, तो ऑसम दिख रहा है यार। तो गाइस ये ऑक्सेलो का जो बैग है वो दोनों ही स्केट मेरे कैरी कर रहा है, MF 500 भी कैरी कर पा रहा है और फ्रेंच टोस्ट भी कैरी कर पा रहा है, और मुझे यही चाहिए भी था। लेकिन हाँ, मेरा जो पुराना बैग था ये ट्रायंगल वाला इस शेप का, इसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी, मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था जब भी मैं इसमें स्केट लगाकर मतलब डालकर और फिर
पहन लेता था, मतलब टांग लेता था, तो दिक्कत आती थी। तो यार इस वाले बैग से, ट्रायंगल शेप के बैग से परेशान होकर ही मैंने ये वाला बैग बुलवाया था। तो महंगा जरूर पड़ गया लेकिन मुझे कंफर्टेबल जरूर से लग रहा है, तो बेस्ट बैग मुझे ये वाला लगा। तो आई होप कि आपको आज का ये रिव्यू वाला वीडियो अच्छा लगा होगा इस बैग का, और अनबॉक्सिंग वाला भी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, या फिर नहीं भी लगा हो तब भी कर देना यार। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से। बाय गाइस।